लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये जंगल राज। घेरे में पंजाब पुलिस आई है, उसने तो गिरा ऑफ ही गिरा दिया, पंजाब पुलिस का नाम मिट्टी में मिला दिया। सुबह स्वत्ते बिना गल दसे, बिना कोई गल कीत्या, इस तरह किसी भी व्यक्ति घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। सब रले मिले है। जान बुझ के लोगों की अखा च कट्टा पाया जाए। अज 8-9 साल बाद ऑल ऑफ सडन, पहला भी उस वेले भी जो ये मामला पाया गया सी, उदो अकाली दल की सरकार सी, ये उदो सुखबीर सिंह बादल दरा ने काम किया सी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू अते एमएलए पुलाथ सुखपाल सिंह खैरा नूं गिरफ्तार करने वास्ते अज सवेरे तड़कसार पुलिस उन्हां दे घर विखे पहुंची, जिस तों बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग उन्हां दे नाल मुलाकात करने वास्ते सुखपाल खैरा दे घरे गए। जानकारी मुताबिक मीडिया दे नाल गल्लबात करदिआं होइआं राजा वड़िंग ने पंजाब पुलिस दे डीजीपी गौरव यादव अते गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित दे उत्ते वी सिद्धे निशाने साधे ने। उन्होंने इस मौके अपनी भड़ास कटदिआं होइआं की कहा, तुहानूं सुणाउंदे। हमने कभी कोई केस हुआ, हमने डटकर मुकाबला किया। पिछले बहुत दिन पहले जिनको पकड़ा, कभी पकड़ा, हमने जमानत कराई, हम लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम मर नहीं जाएंगे, जो होना है वो होके रहना है। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये जंगल राज है। और मैं समझ नहीं आता पुलिस का आदमिया। मैं तो बहुत समझदार व्यक्ति समझता था गौरव यादव जी को, पर क्या हो गया गौरव जी? बिल्कुल ही आपने तो पुलिस क्या रुझाना क्या हो रहा है? इनका खुद का आम आदमी पार्टी का एमएलए पुलिस की निंदा कर रहा है एसएसपी की। और जिस प्रकार से घेरे में पंजाब पुलिस आई है, उसने तो गिरा ऑफ ही गिरा दिया, पंजाब पुलिस का नाम मिट्टी में मिला दिया। आदरणीय डीजीपी साहब, जागो, ऐसे मत करो। खाली खाली कुर्सी, खाली पद, ये सब कुछ नहीं। कमांड हर चीज पे नजर रखती है और हाई कमांड नु हर चीज का पता हुंदा है। पर इस तरह सुबह स्वत्ते बिना गल दसे, बिना कोई गल कीत्या, इस तरह किसी भी व्यक्ति नु ओरे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। मेरे कोई शब्द नहीं है उन्हां वास्ते। मैं कमा कि ऐसे कोई शब्द ही नहीं है कि जेडे मैं इस्तेमाल करा। पर बिल्कुल 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 वर्दी दी गरिमा जेड़ी है वो उरियां धज्जियां उड़ा दित्तियां गईयां ने। और मैं कहना चाहना कि दो केस इरी जिंदा जागदा उदाहरण ने। एक तो मुक्तसर दा केस, अगर एक वकील दे नाल जो हरकत हुई है, वो वकील नाल उरे मगरता वकील खड़ गए। मैं पंजाब दे लोगों नूं दसना चाहना है, उरे मगरता काले कोट वाले सारे भरा खड़ गए, ते सारा मामला फिट हो गया, उन्हां ते मुकदमा दर्ज हो गया, वो फड़ ले गए। और एक एमएलए जिहड़ा सत्ताधारी सरकार दा चीका मार के रो रहा है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करन दी साजिश पंजाब पुलिस उन्हूं कुट के मना रही है भी तू मेरा नाल है, ते मैनू दस दियो फिर कोई गरिमा तां किते रही नहीं, गम खब खत्म हो गया। ते आम बंदा किवें सुरक्षित होएगा इस पंजाब विच? बड़ी आम व्यक्ति नूं तां जदों मर्जी फड़ के टैरोरिस्ट बना दियो। इत्थे रोज गवर्नर साहब चिट्ठी लिखदे, अज की हो गया गवर्नर साहब नूं? गवर्नर साहब नूं माड़ी माड़ी गल दा तां पता लग जांदा। फिर चंडीगढ़ पुलिस नूं कॉल इन कौन करन कि बिना थोड़े पता होण ते सब रले मिले है। जान बुझ के लोगों की अखा च कट्टा पाया जाए। 2015 तो लैके हुण किन्ने साल हो गए, अज 8-9 साल बाद ऑल ऑफ सडन, पहला भी उस वेले भी जो ये मामला पाया गया सी, उदो अकाली दल की सरकार सी, ये उदो सुखबीर सिंह बादल दरा ने यह काम किया सी। पर बिल्कुल 8 साल बाद जेडे मामले का कोई लैन नहीं, देन नहीं, लल्ला नहीं, खखा नहीं, पब्बा नहीं, असी तो सुनिया नहीं कोई। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।